क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों ने बहुत सारी नई बातें सीखी जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं होती हैं, और इन नई बातों के आधार पर थियोरी डेवलप करना, उसके इक्वेशंस बनाना और फिर उसमें से परिणाम निकालना, इसके लिए हमें कुछ नई भाषा की भी आवश्यकता होती है। तो आज हम थोड़ा वो टर्मिनोलॉजी, वो जो लैंग्वेज है जो हम इस्तेमाल करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के आगे के डेवलपमेंट में, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने पार्टिकल के स्टेट, ये शब्द बार बार इस्तेमाल किया है, पार्टिकल का ये स्टेट है, वो स्टेट है, ऐसा जिसको हम अवस्था कह सकते हैं, यानी उस पार्टिकल का उस इंस्टेंट पे जो भी उसका उसकी अवस्था है, उसके बारे में जो भी कुछ उसकी जानकारियाँ हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कुछ भी है उसको हम उसका स्टेट कहते हैं। और उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका है वेव फंक्शंस का। जब हम वेव फंक्शन बताते हैं कि इस पार्टिकल का इस क्षण पे, इस इंस्टेंट पे ये वेव फंक्शन है, तो हम वो तमाम जानकारियाँ उसमें से निकाल सकते हैं जो कि निकाली जा सकती हैं। तो पूरे स्टेट की सारी इन्फॉर्मेशन इस वेव फंक्शन में निहित है। वेव फंक्शन अगर पता है तो तमाम जानकारियाँ जो निकाली जा सकती हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो वेव फंक्शन उस स्टेट का एक रिप्रेजेंटेशन है, उसको एक निरूपित करने का एक जरिया है। तो ऐसा हम लोग वेव फंक्शन के बारे में समझते हैं। स्टेट में और वेव फंक्शन में थोड़ा फ़र्क है। स्टेट उसका एक्चुअल स्टेट है और उसका डिस्क्रिप्शन ये वेव फंक्शन से हमें मिलता है। लेकिन बहुत बार हम लोग वेव फंक्शन दे दिया तो स्टेट दे दिया, तो उसको आपस में इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं। तो ये जो वेव फंक्शंस हैं किसी खास पार्टिकल का, किसी खास परिस्थिति में एक इंस्टेंट पर जो वेव फंक्शंस हैं, वो बहुत तरह तरह के वेव फंक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल के अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं, अलग अलग उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। तो ये सारे जो पॉसिबल वेव फंक्शंस हैं, उन सारे पॉसिबल वेव फंक्शंस को मिला करके जो सेट बना, जो ग्रुप बना, उसको हम लोग कहते हैं स्टेट स्पेस। तो स्टेट हो गया और सभी स्टेट्स को मिला करके हमने बना दिया, सभी पॉसिबल स्टेट्स को हमने मिला दिया, तो उसको हम कहते हैं स्टेट स्पेस। और स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन के द्वारा, एक फंक्शन के द्वारा, एक जो एक्स का फंक्शन है उसके द्वारा हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे जितने प्रकार के वेव फंक्शंस पॉसिबल हैं इस पार्टिकल के लिए, जितने प्रकार के अलग अलग किस्म के वेव फंक्शंस संभव हैं, उन सारे वेव फंक्शंस को अगर एक साथ हम इकट्ठा करते हैं एक जगह पे, तो वो हमारा ये जो वेव फंक्शन का जो स्टेट स्पेस है उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको आप चाहो तो कह सकते हो वेव फंक्शन का ये स्पेस हो गया। और ये जो वेव फंक्शंस का सारा कॉम्बिनेशन है, साई वन एक्स, ये सब अलग अलग फंक्शंस हैं, एक्स के अलग अलग फंक्शंस हैं, ये सब जो फंक्शंस हैं इनको मिला करके हम ये वेव फंक्शन का स्पेस बोल रहे हैं। इस वेव फंक्शन के स्पेस में, और जो हम वेक्टर्स करते हैं थ्री डिमेंशंस में, उन वेक्टर्स में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वही टर्मिनोलॉजी वेक्टर स्पेस वाली हम लोग यहाँ पर भी लेकर के आते हैं। और गणित में वेक्टर स्पेस, लीनियर वेक्टर स्पेस, इस नाम की भी एक चीज़ होती है, लीनियर वेक्टर स्पेस। ये भी सेट है, बहुत सारे वेक्टर्स का सेट है, और वो जो वेक्टर्स हैं वो हमारे ज्योमेट्री में जो वेक्टर्स हैं वही होना ज़रूरी नहीं है, कुछ खास खास प्रकार के कंडीशंस अगर फॉलो हों उस सेट के अंदर में तो उसको लीनियर वेक्टर स्पेस कहते हैं। हमारा ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स का जो स्पेस है वो भी उन कंडीशंस को फॉलो करता है, तो वो भी लीनियर वेक्टर स्पेस है। तो ये जो वेव फंक्शंस का सेट है, पॉसिबल वेव फंक्शंस का सेट है किसी पार्टिकल के लिए, वो भी एक लीनियर वेक्टर स्पेस ही बनता है। इसलिए वो टर्मिनोलॉजी जो हम वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही टर्मिनोलॉजी हम इन फंक्शंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक सिंबल का उपयोग करेंगे
बार बार करेंगे, और वो सिंबल हम ऐसा लिखेंगे, हमने यहाँ पे एक सीधी वर्टिकल लाइन लिखी और यहाँ पे हमने एक ऐसा एंगुलर ब्रैकेट बनाया, और इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स लिखेंगे, और ये हम एक एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्टेट को बताने के लिए हम ऐसा सिंबल यूज़ करेंगे। तो हमने जैसे यहाँ पर अगर साई वन लिख दिया, तो इस वेव फंक्शन को बताने के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। या हमने यहाँ और कुछ लिख दिया, लीनियर मोमेंटम का वैल्यू लिख दिया और कहा कि यही लीनियर मोमेंटम का वैल्यू है। तो एक फिक्स्ड लीनियर मोमेंटम के लिए जो वेव फंक्शन होता है वो हम इससे बता रहे हैं, उसका जो करस्पॉन्डिंग स्टेट है वो हम इससे बता रहे हैं। तो इसको हम लोग केट कहते हैं, केट सिंबल, KET केट सिंबल कहते हैं इसको। ये PAM डिराक, ये उस समय के एक बड़े फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में भयंकर योगदान किया है, तो उनके द्वारा सजेस्ट किया हुआ सिंबल है ये, ऐसा सिंबल। इसका बहुत डीप मीनिंग भी है, लेकिन हम उनके उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। अभी हम यही समझ के चल सकते हैं कि ये जो वेव फंक्शंस है या इस वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट है उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका एक काउंटर पार्ट भी है, जैसे ये दाहिनी तरफ ब्रैकेट बनाया है, आप बाईं तरफ अगर ब्रैकेट बना के कुछ लिखते हैं, ऐसा भी सिंबल काफ़ी उपयोगी है, इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको कहते हैं ब्रा सिंबल। एक्चुअली जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का ये ब्रा है और ये केट है, ऐसा पहले ब्रा आता है ब्रैकेट और फिर केट आता है, तो इस प्रकार का ये सिंबल है। तो हम वेव फंक्शंस को कई बार ऐसे सिंबल से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखिए, जैसे ज्योमेट्रिकल जो आपके वेक्टर्स होते हैं, थ्री डिमेंशनल वेक्टर स्पेस, अलग अलग वेक्टर्स हैं, उसका आप देखें दो वेक्टर्स को अगर आप जोड़ें तो आपको एक तीसरा वेक्टर मिलता है उसी स्पेस के अंदर में। वैसे ही यहाँ पे अगर दो वेव फंक्शंस हैं उनको अगर आप ऐड कर दें, साई वन एक्स एक वेव फंक्शन है, साई टू एक्स दूसरा वेव फंक्शन है, पॉसिबल वेव फंक्शन, तो उनको अगर आप ऐड कर दें साई वन एक्स प्लस साई टू एक्स, तो वो भी एक पॉसिबल वेव फंक्शन बनता है। इसी प्रकार से आप किसी वेक्टर को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका उसी डायरेक्शन में वेक्टर लंबा या छोटा हो जाता है। यहाँ भी आप भी किसी वेव फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फंक्शनल फॉर्म वही है लेकिन उसके जो भी पीक्स हैं वो बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं, फॉर्म वही रहेगा। तो ये सब जैसा आप वहाँ करते हैं वैसा ही आप यहाँ भी कर सकते हैं। वहाँ पे आप यूनिट वेक्टर बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं आई कैप या ई कैप। क्या यूनिट वेक्टर है? यूनिट वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ हम लोग नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं जिसका नॉर्म वन हो। नॉर्म याद होगा आपको, हमने किसी वेव फंक्शन का नॉर्म कैसे बताया था। अगर कोई वेव फंक्शन है साई एक्स, तो साई स्टार एक्स इंटू साई एक्स इंटू डी एक्स, इंटेग्रेशन कर दीजिए फुल रेंज, जो रेंज है उसका, ये जो है ये इसका स्क्वायर रूट आप ले लीजिए, तो उसको हम कहते हैं इसका नॉर्म है ये। तो वो जो नॉर्म अगर वन हो जाए तो उसको हम लोग नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं, ये अगर वन हो जाए तो उसको हम लोग नॉर्मलाइज्ड फंक्शन कहते हैं। इसको आप एक डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी सोच सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट को पहले देखिए, हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हों ए और बी, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो एक ख़ास पद्धति से आप उसका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट जो एक नंबर होता है, दो वेक्टर्स हैं लेकिन जब आप उसका स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक नंबर निकल करके आता है। जैसा भी वेक्टर्स, अगर ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स है तो फिर हम उसको ए का
मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा ऐसा करके कुछ लिखते हैं। यहाँ भी हम लोग स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास दो वेव फंक्शंस हैं, एक मान ले कि साई वन एक्स, ये एक वेव फंक्शन है, साई टू एक्स ये दूसरा वेव फंक्शन है, तो हम इन दोनों वेव फंक्शंस का स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट ये डिफाइन करते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं हम, इसका डेफिनेशन हम करते हैं अब फिर से ऐसा ही इंटीग्रेशन एक्स के पूरे रेंज के ऊपर, पहले वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जो पहला वाला वेव फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी उसमें जहाँ जहाँ वो आई आया है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन उसकी जगह माइनस आई कर देना है, तो ये है साई वन एक्स का स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और दूसरे वाले से सीधा मल्टीप्लाई करना साई टू एक्स और x dx, ये पूरा फुल इंटीग्रेशन कर दें इस रेंज के ऊपर, ये जो चीज़ निकल करके आती है इसको हम लोग कहते हैं इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस विथ दिस, और इसको ऐसा सिंबल लिखते हैं साई वन इधर साई टू इधर, ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं, तो इस तरह का सिंबल हम लोग लिखते हैं इसके लिए। ऐसा ही सिंबल आप इसके लिए भी चाहें तो लिख सकते हैं, ए बी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर। और ये जो उसका मैग्नीट्यूड है, ये जो मैग्नीट्यूड है वो डिफाइन करने के लिए आप अपने से उसका स्केलर प्रोडक्ट ले सकते हैं। किसी वेक्टर का अगर अपने से स्केलर प्रोडक्ट ले लें, ए और ए के साथ ये डॉट लगा दें यहाँ पे, तो ये उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। वही सिंबल आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने किसी फंक्शन का अपने साथ ही अगर हमने इसका ये स्केलर प्रोडक्ट बना दिया, तो देखिए क्या बनेगा, पहले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है तो साई स्टार एक्स बन जाएगा, दूसरे का जो का त्यों लिखना है तो साई एक्स बन जाएगा, तो साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स ये बनाइए, ये बना क्या साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स। और आप जानते ही हैं कि इसी को हम उसका नॉर्म कहते हैं, और ये इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। ध्यान रखिए ये फंक्शन है लेकिन ये स्केलर प्रोडक्ट एक नंबर है, एक संख्या है, एक जस्ट नंबर है, क्योंकि आप यहाँ एक्स में इंटीग्रेट कर डालेंगे, और इंटीग्रेट जब आपने कर दिया और x का वैल्यू यहाँ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो एक नंबर निकल कर आ रहा है, एक संख्या निकल कर के आ रही है, और उसी का स्क्वायर रूट जो है वो इसका नॉर्म कहलाता है। और वही अगर वन हो जाए, यही स्केलर प्रोडक्ट का से जो हम ये नॉर्म निकाल रहे हैं, यही अगर वन हो जाए, जैसे यहाँ पर अगर ये वन हो जाए तो हम कहेंगे कि ये यूनिट वेक्टर है, तो यही अगर वन हो जाए तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। इसी प्रकार से ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स में हमारे पास एक और बहुत अच्छा सा रिलेशन है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाए तो हम उन वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, एक दूसरे पर लंब ऐसा बोलते हैं। दो वेक्टर्स एक दूसरे पर लंब यानी 90 डिग्री का एंगल बने तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, वो ज़ीरो होता है। हम इसको पलट के बोल रहे हैं कि अगर यहाँ किसी दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और वो डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब है कि ए एंड बी ये जो हैं एक दूसरे पर लंब हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, आर ऑर्थोगोनल, उसको ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, एक दूसरे पर लंब है। यही सिंबल हम यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, यही परिभाषा हम यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। अगर दो फंक्शंस हैं साई वन साई टू और हमने उसका ऐसा स्केलर प्रोडक्ट बनाया और अगर वो ज़ीरो हो गया
तो वैसी हालत में हम कहते हैं कि ये जो दो फंक्शंस हैं हमारे साई वन एक्स एंड साई टू एक्स आर ऑर्थोगोनल, तो हमारे वेव फंक्शंस जैसे हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं वैसे हमारे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारे वेक्टर्स के अंदर में हम स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं जो एक नंबर बनता है, स्केलर प्रोडक्ट होकर के हम अपने वेव फंक्शंस में भी स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, और अगर वो स्केलर प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर तो नहीं बोलते हैं, ऑर्थोगोनल, लेकिन सेंस वही है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऐसे होता है। और आगे बढ़िए और समानताएं ढूंढिए। आप देखिए ज्योमेट्रिकल वेक्टर स्पेस में हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, अनंत वेक्टर्स हैं, लेकिन सारे वेक्टर्स को हम सिर्फ तीन यूनिट वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। अगर हमने तीन वेक्टर्स चूज़ कर लिए, वो चॉइस यूनिक नहीं है, लेकिन तीन वेक्टर्स अगर मैंने चूज़ कर लिए जो एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल हैं और सबका अपना अपना जो मैग्नीट्यूड है वो वन है, यानी यूनिट वेक्टर्स हैं, तो हम लोग कैसा चूज़ करते हैं, जनरली क्या सिंबल लिखते हैं, हम सिंबल लिखते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, ऐसा तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम यूनिट वेक्टर्स चूज करते हैं। एक को हम आई कैप कहते हैं, दूसरे को हम जे कैप कहते हैं, तीसरे को हम एक के कैप कहते हैं। ये सभी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल हैं, और सभी का जो मैग्नीट्यूड है वन है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इस तरह का इसको हम बेसिस कहते हैं, बेसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं बेसिस, क्योंकि आप कोई भी वेक्टर ए लें, उस ए को इन्हीं तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। वेक्टर्स यही तीन इस्तेमाल करेंगे, बाकी नंबर्स इस्तेमाल करेंगे। तो आप किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं, एक नंबर जिसको आप ए एक्स बोलते हैं आई कैप, दूसरा नंबर जिसको आप ए वाई बोलते हैं जे कैप, तीसरा नंबर जिसको आप ए जेड बोलते हैं के कैप। तो वेक्टर्स यही है, आपके वेक्टर्स बदलते जा रहे हैं, लेकिन ये आई कैप जे कैप के कैप ये वही के वही हैं। वेक्टर्स बदल रहे हैं, हमने एक वेक्टर लिया था, फिर कोई और वेक्टर किसी और डायरेक्शन में ले लिया, किसी और मैग्नीट्यूड का ले लिया, ए एक्स बदलेगा, ए वाई बदलेगा, ए जेड बदलेगा, ये नंबर्स बदलेंगे, जिसको हम लोग कॉम्पोनेंट्स कहते हैं, वो कॉम्पोनेंट्स बदलेंगे, लेकिन वेक्टर्स में हमेशा यही तीन इस्तेमाल होंगे, तो इनको हम लोग बेसिस वेक्टर्स कहते हैं। और ये बेसिस वेक्टर्स में हमारे पास अभी जो खासियत है कि हर एक का नॉर्म वन है, यानी आई कैप को अगर आप आई कैप के साथ में स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, आई डॉट आई, आई डॉट आई अगर करते हैं तो वो वन है। इसी तरह से जे डॉट जे अगर आप करते हैं तो वो वन है, और के को अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी वन है। हर एक हमारा यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड वन है, और एक दूसरे के साथ अगर स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो वो ज़ीरो बनेगा। यानी आई के साथ अगर जे का ले लें, जे के साथ आई का ले लें, जे के साथ के का ले लें, ऐसा ऐसा अगर हम लेते चलें, किसी दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का अगर हमने ले लिया स्केलर प्रोडक्ट तो वो ज़ीरो है। इस प्रकार के जो बेसिस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। ये ऑर्थो है यानी ऑर्थोगोनल है, एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है, और नॉर्मल नॉर्मलाइज्ड यूनिट मैग्नीट्यूड वाले हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। इसी तरीके से हमारे वेव फंक्शन के स्पेस में भी हमारे बहुत सारे वेव फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ वेव फंक्शंस चूज कर सकते हैं, और ऐसे चूज कर सकते हैं कि वो एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल हो।
और उन्हीं बेसिस वेव फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में बाकी सारे वेव फंक्शंस को लिखा जा सकता है, तो उसको हम लोग बेसिस कहेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो गई, मान ले हमने चूज किया कोई फाइ वन फाइ टू फाइ थ्री, इस तरह से ये सब हमारे बेसिस फंक्शंस हैं, ये सब हमारे बेसिस स्टेट्स हैं, कुछ खास खास हमने चूज़ किए हैं। और जैसे यहाँ हमने आई कैप जे कैप के कैप चूज़ किया, वैसे हमने ये चूज़ किए हैं। और कैसा चूज़ किए हैं हमने, कि अगर हमने फाइ वन और फाइ वन का अपने से स्केलर प्रोडक्ट ले लिया तो ये वन हो गया, इसी तरह फाइ टू का अपने से ले लिया, फाइ थ्री का अपने से ले लिया तो वन हो गया, और एक दूसरे से ले लिया कहीं फाइ वन फाइ टू कर दिया तो वो ज़ीरो हो गया। इस प्रकार का अगर हमने बेसिस चूज कर लिया तो इसको हम लोग ऑर्थो नॉर्मल बेसिस कहेंगे। और कोई भी फंक्शन अगर साई है तो उस साई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं सी आई और यहाँ पे फाई आई, ऐसे हो सकता है, हर बार नहीं होगा ऐसा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि हमें इस तरह के फंक्शंस मिल जाएं अपने स्टेट स्पेस में, हमें इस तरह के फंक्शंस मिल जाएं कि कोई भी दूसरा फंक्शन आप मुझे दें तो उसको हम इन्हीं फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकें, c1 वन इंटू फाई वन सी टू इंटू फाई टू, जैसे यहाँ ax एक्स इंटू आई कैप ए वाई इंटू जे कैप ए जेड इंटू के कैप, उसी तरीके से यहाँ c1 वन इंटू फाई वन सी टू इंटू फाई टू सी थ्री इंटू फाई थ्री, इस प्रकार से हम इसको लिख सकें। तो ये हमारा थ्री डिमेंशनल स्पेस कहलाता है। क्यों? क्योंकि तीन बेसिस वेक्टर से पूरा काम हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में अक्सर हमारा जो स्टेट स्पेस होता है उसमें ऐसा बेसिस मिलता तो है, लेकिन फिर वो तीन चार दस नहीं होके इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इन्फिनिट डिमेंशनल। ये इन्फिनिट डिमेंशनल स्पेस है, हमारा जो वेव फंक्शंस का जो स्पेस है वो इन्फिनिट डिमेंशनल है। यहाँ हमने अलग अलग सोचा है कि हाँ एक वेव फंक्शन है, फिर बिल्कुल अलग किस्म का दूसरा वेव फंक्शन है, तीसरा वन टू थ्री, ऐसा करके हम उसको अलग अलग काउंट कर सकते हैं। ये काउंट इन्फिनिटी तक जाएगा लेकिन फिर भी सेपरेट सेपरेट है, ये है ये है ये है ये है, ऐसा हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा कई बार होता भी है, कई बार नहीं भी होता है। अभी तक जो हमने आपके साथ में क्वांटम मैकेनिक्स की है उसमें हमने वस्तुतः ऑलरेडी बेसिस वेक्टर्स बेसिस वेव फंक्शंस का इस्तेमाल किया हुआ है, और उसमें हमने ऐसा किया है कि वो अलग अलग काउंटेबल नहीं हैं, तो उसकी चर्चा हम अभी करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो तो आप इस प्रकार से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये ए एक्स जो है, इस ए एक्स के लिए हम एक अलग ढंग से एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब देखिए ये जो ए एक्स है, इस ए एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये स्केलर प्रोडक्ट है आई कैप का और ए का। देखिए ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर आप इस ए वेक्टर का और इस बेसिस वेक्टर जो आई कैप है उसका आप स्केलर प्रोडक्ट ले लें तो क्या होगा, जो हमारा ये पूरा फुल वेक्टर है ये, इसका एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ही मिलेगा, यही ए एक्स है। अगर आप इसको आई कैप से यहाँ इसका स्केलर प्रोडक्ट ले लें, यहाँ आई कैप से प्रोडक्ट लेंगे तो ये वन होकर के ये एक्स बचेगा, यहाँ आई कैप से आप जब इसका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो आई कैप डॉट जे कैप ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ जब आई कैप के साथ आप स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ए एक्स बचेगा। तो ए एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी तरह से जो ए वाई है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, जे कैप के साथ में ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, ये ए वाई बनेगा। जे कैप से आप स्केलर प्रोडक्ट कीजिए यहाँ यहाँ यहाँ, तो सिर्फ ये बचेगा, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। और ए जेड, ए जेड जो है वो के कैप के साथ में स्केलर प्रोडक्ट है ए वेक्टर का। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये सब कंपोनेंट्स हैं,
ये आई कैप वाला कंपोनेंट है, ये जे कैप वाला कंपोनेंट है और ये के कैप वाला कंपोनेंट है। इसी तरीके से अगर आप अपना वेव फंक्शन ऐसे लिख पाते हैं तो ये जो सी आई हैं वो कंपोनेंट्स हैं। फाई वन वाला कंपोनेंट सी वन है, फाई टू वाला कंपोनेंट सी टू है, फाई थ्री वाला कंपोनेंट सी थ्री है, फाई फोर वाला कंपोनेंट सी फोर है। तो जितने आपके बेसिस वेक्टर्स हैं उनके ये कंपोनेंट्स हैं, और ये कंपोनेंट्स निकालने के लिए आप इसी प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सी आई है वो वास्तव में जो आई वाला फाई आई वाला जो मेरा यूनिट वेक्टर्स था, बेसिस वेक्टर्स था, उसके साथ में इस साई का ये स्केलर प्रोडक्ट है। सी वन अगर आपको चाहिए तो आप फाई वन के साथ में इसका कर लेंगे, इस फाई वन के साथ में इसका स्केलर प्रोडक्ट कर लेंगे। और आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट का क्या मतलब है, फिर से याद दिला दूं आपको। स्केलर प्रोडक्ट हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, ये साई वन यहाँ है और साई टू यहाँ है, और ये है स्केलर प्रोडक्ट साई वन साई टू। पहले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दूसरे का ज्यों का त्यों, और ये दोनों फंक्शंस हैं, एक्स पे इंटेग्रेट कर दीजिए, पूरा फुल इंटेग्रेशन कर दीजिए, जो नंबर मिलेगा वही स्केलर प्रोडक्ट है। वही नंबर जो मिलेगा यहाँ पे वो ये नंबर है, ये कंपोनेंट्स। तो इस प्रकार से इसके हम कंपोनेंट्स भी डिसाइड कर सकते हैं। तो जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं ज्योमेट्रिकल वेक्टर स्पेस के लिए, वही भाषा काफ़ी कुछ हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस हमारा जो लीनियर वेक्टर स्पेस है, स्टेट्स का, क्वांटम स्टेट्स का या वेव फंक्शंस का, उसके साथ भी हम उसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंबल्स, ये टर्मिनोलॉजी हम आगे बहुत बार इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे, कुछ और अर्थ निकालेंगे इन चीज़ों के और इन स्केलर प्रोडक्ट्स के और चीज़ों के। तो हम यहीं पर रुकेंगे।